और जेट एयरवेज में चल रही दिक्कतों को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। विमानन सचिव आरएन चौबे ने कहा कि अगर जेट एयरवेज सरकार के पास आती है और अपनी समस्याएं बताती है तो हम उसे देखेंगे, लेकिन अब तक जेट एयरवेज ने कोई संपर्क नहीं किया है। जेट एयरवेज में छटनी को लेकर भी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। कल जेट एयरवेज ने अपनी तिमाही नतीजों का ऐलान टाल दिया था क्योंकि ऑडिट कमेटी ने उसे बोर्ड मंजूरी देने से मना कर दिया था। ऑडिट कमेटी के चेयरमैन श्रीनिवासन ने भी कल इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजहों का खुलासा नहीं किया। कल खबर यह भी आई थी कि जेट एयरवेज की एजीएम में कंपनी के चेयरमैन नरेश गोयल एयरलाइन के कामकाज से काफी नाराज थे। इससे पहले एयरलाइन में छटनी और सैलरी कटौती को लेकर भी खबरें आई थी। तो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के इस्तीफे और नतीजों में देरी पर जेट एयरवेज ने अपनी सफाई पेश की है। विश्वनाथ इस्तीफे पर जेट एयरवेज की सफाई, विश्वनाथन ने ऑडिट कमेटी से इस्तीफा नहीं दिया। मीडिया में खबर गलत तरीके से पेश की गई। 9 अगस्त को हुई एजीएम में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। वो अपना पूरा कार्यकाल खत्म करने के बाद ऑडिट कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। एजीएम में कंपनी के चेयरमैन ने विश्वनाथन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। और देखिए, जेट ने अपने नतीजों पर भी यहां पर सफाई दी है। उन्होंने कहा मैनेजमेंट और ऑडिटर्स ने ऑडिट कमेटी को जो सूचना दी उसमें उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। ऑडिट कमेटी ने यह गुजारिश मान ली और उन्हें अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए और वक्त दे दिया। अकाउंट्स जब फाइनल हो जाएंगे तब इसे ऑडिट कमेटी के सामने रखा जाएगा, फिर बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। बोर्ड सदस्य इससे सहमत थे। ये कॉरपोरेट इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है कि तिमाही नतीजे टाले गए हों। ये दुखद जरूर है कि खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।